ऑटोमेशन के अंदर आज बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है जिसकी शायद कल्पना हम आज से कुछ वर्ष पहले कर भी नहीं सकते थे। ऐसी ऐसी चेंजेस आई हैं जिसके बारे में आज जब आप किसी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ कि फगवाड़ा सब डिवीज़न में जीएनए यूनिवर्सिटी की स्थापना होने के बाद 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी, जिसका उल्लेख आज यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेहद अदब के साथ किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी आज जीएनए यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद है। और ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, छात्र वर्ग यहाँ पे आकर वो सब शिक्षा ले रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो बहुत से कंपोनेंट्स को डेवलप कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी को बच्चों तक पहुँचाने में जो शख्स पूरी दिल के साथ मेहनत कर रहा है वे हैं डॉक्टर सी आर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू टू पंजाब के सीएम जगबानी की तरफ से। मैं आप सारी ऑडियंस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस प्रिंटर के आप हमें दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताएं और क्या ये टेक्नोलॉजी है जिसका आप कई वर्षों से यूज़ कर रहे हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बेहतरीन बना रहे हैं जीएनए के। एक्चुअली सर, जो 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी है ना, इट इज़ कमिंग अंडर दैट एम, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दुनिया का एक वास्ट टेक्नोलॉजी है। इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एवरी कंट्री, इस 173 कंट्रीज दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आज नासा भी यूज़ कर रहे हैं, DRDO भी यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, होम अप्लायंस इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, इवन दैट मेडिकल साइंस इसके ऊपर इतना डीपली वो रिसर्च कर रहा है, जो कि डेंटिस्ट एज वेल एज दैट जितना भी बोन स्पेशलिस्ट ही बायो कंपैटिबल मटेरियल बनाने के लिए, नेचुरल फाइबर मटेरियल बनाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, हमने प्रिंटर के बारे में तो सुना है जो कंप्यूटर में लगता है और उसके साथ जो टाइपराइटर की जगह प्रिंटर ले गया कंप्यूटर के साथ जोड़कर, लेकिन ये 3D प्रिंटर जो ऑडियंस आम है उसको शायद 3D, क्योंकि मैं भी उतना ही अनजान हूँ जितने और लोग हैं, तो ये 3D प्रिंटर है क्या और इसके क्या, सरल भाषा में इसकी क्या यूजफुलनेस है, क्या इसकी गुणवत्ता है जो इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतरीन बना जाती है? ये सर, ये 3D जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं FDM टेक्नोलॉजी, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी। पाउडर टेक्नोलॉजी भी है, लिक्विड बेस्ड टेक्नोलॉजी भी है, लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी भी है, बट जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, हमारा जो CAD लैब है, कंप्यूटर डिजाइन लैब है, उसके डिफरेंट कंट्री के साथ एसोसिएट है। वो CAD लैब में क्या करना, कोई भी अपने इमेजिनेशन किया हुआ अपना दिमाग में, उसको जस्ट यू कन्वर्ट इन टू स्केचिंग, आफ्टरवर्ड्स यू कन्वर्ट इन टू 3D मॉडलिंग, दैट CAD सिस्टम। तो बनता क्या इसके अंदर से? yes, क्या जब 3D मॉडलिंग अपने CAD में बना लिए, वो वर्चुअल डिजाइन रेडी हो गया आपका। कोई डिजाइन दिखाएंगे आप हमें? yes, क्या सर, मैं भी आपको दिखाऊंगा। कुछ यहाँ पर है आपके पास? जो लैब के अंदर में दिखाना है, मैं इसका कंपोनेंट को दिखाता हूँ। जो कंपोनेंट आपके पास, देखो ये सारे कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट के लिए हमने क्या करना है कि CAD में डेवलप कर लिए मॉडल को। इसी मॉडल को डेवलप करने के बाद ये मॉडल को STL फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड द स्टीरियो लिथोग्राफी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। वो प्रोग्राम को क्या करते हैं, इसके अंदर में हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपको देखोगे हीरो होंडा कवर पार्ट भी है इधर ही रखा हुआ, हीरो होंडा कवर पार्ट आपको दिखाओ, जो कि ये एक कवर पार्ट में, जैसे हीरो होंडा का कवर पार्ट हमने डेवलप किए हुए, ये कवर पार्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है। इसमें जो STL फॉर्मेट है, फाइल यहाँ पे आ गया, इसी फाइल को क्या करना, हमने इसका एक प्रोसेस हमने स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रोग्राम रेडी करेंगे। ये प्रोग्राम रेडी होने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे जो टेबल के अंदर में रखा गया है, जहाँ पे रखा गया वो टेबल इसके अंदर में लगा हुआ है, इसके अंदर में लगा हुआ है। आप देखिए, देखोगे ये टेबल उसके अंदर में लगा हुआ है, ये सही मॉडल उसके वहाँ से हमने प्रोग्राम को ट्रांसफर करके इसी प्रिंटर का, इसी मशीन के अंदर में हमने भेजेंगे। इसमें दो मटेरियल लगा होता है, एक सपोर्ट मटेरियल, एक मॉडल मटेरियल। दो कार्ट्रिज यहाँ पे स्टार्ट से, एक कार्ट्रिज भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये कार्ट्रिज के मटेरियल है, ये सारे USA से इम्पोर्ट किया जाता है। ये ABS प्लस मटेरियल है, ABS प्लस मटेरियल है। ये मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है 40% ज़्यादा स्ट्रेंथ कम्पेयर टू जनरल प्लास्टिक है, इसको ABS प्लस। इसमें काफ़ी सारा पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं, पीक पैक PLA ABS और KSA, लाइक दिस काफ़ी सारा पॉलीमर मटेरियल सारे अवेलेबल। वो सारा पॉलीमर मटेरियल में क्या करते हैं, कंपोनेंट को डेवलप किया जाता है। एक कंपोनेंट का एज पर योर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जितना स्ट्रेंथ चाहिए उसका पहले हमने स्पेसिमेन में टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद जो स्ट्रेंथ इसका मिलता है, एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट का सबसे, वो कंपोनेंट को डेवलप कर दिया जाता है।
तो क्या आप डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे हम पुराने टाइम में सुनते थे कास्टिंग हुआ करती थी, यस जिसे हम ढलाई कह देते हैं, तो पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे, जिनमें फगवाड़ा भी हमारा एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला है, देन बटाला में, गोराया में, हम लोग कास्टिंग के बारे में, जिसे हम सरल भाषा में ढलाई कहते हैं, हाँ जी तो क्या उसके जो मॉड्यूल्स बनते थे, पाटन बनते थे, वो पहले एल्यूमिनियम में बनते थे, तो क्या ये प्रिंटर उसमें भी डिज़ाइनिंग कर जाता है? यस सर, जितने भी आपने देखे होंगे कास्टिंग कंपोनेंट्स जो बनता है, सेट कास्टिंग कंपोनेंट, उसके लिए पैटर्न बनाते थे, वुड पैटर्न, लकड़ में पैटर्न बनाते थे। वो पैटर्न मेकर काफ़ी मोनोपोली भी करते थे, क्या ना, पैटर्न मेकर को इतना एक्यूरेसी भी डेवलप कर नहीं सकते। उसके बाद क्या किया गया, सीएनसी मशीन में, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, उसको पैटर्न को कटिंग किया जाता था। कटिंग करने के बाद उसको सैंड कास्टिंग में यूज करते थे। जब सैंड कास्टिंग में आप यूज करते, अगर इसे ड्राई वेदर आ गया कि मॉइस्ट वेदर आ गया, क्या होता है, उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक जितना एक्यूरेसी आपको अचीव करने के लिए चाहते हो, एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसी बिहार में क्या करते थे, मेटल प्रिंटर में मेटल कंपोनेंट में जाते थे, एल्युमिनियम का पैटर्न बनाते थे। बट एल्युमिनियम का पैटर्न बनाने के लिए सीएनसी मशीन में अगेन प्रोग्रामिंग बनाना पड़ेगा। तो क्या तो सिस्टम, वो क्या सारे सिस्टम काम को एक सिंगल विंडो में ये 3D यहाँ पे, प्रिंटर इसलिए कर वो, जाता ये है। सर, वो प्रोसेस को आपने क्या करो, सारा प्रोसेस को, इधर ऑपरेटर भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, कटर भी चाहिए। बट ये प्रोसेस में जब आ गए, आपने क्या कैड मॉडल डेवलप किए कंप्यूटर में, उसके बाद आप 3D प्रिंटर में निकाल दिए, ये सेम पैटर्न को डायरेक्टली अपने सैंड कास्टिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। इसमें आपने इसका स्ट्रेंथ भी देख लिया, ये कोई वेदर कंडीशन के ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों ना, ABS प्लस मटेरियल है। इसी वजह से क्या होगा, इसका डायमेंशन एक्यूरेसी एज पर कैड सिस्टम में जितना एक्यूरेसी में आपने बनाए थे, उतना एक्यूरेसी में आपको कास्टिंग मिल जाएगा। इसके बाद आपको उसको गार्वनाइजिंग प्रोसेस करो, फिनिशिंग करो, जो भी करना वो प्रोसेस करो। इसलिए क्या होता है, वेरी क्विक प्रोसेस, जिसी प्रोसेस में ये वाला प्रिंटर यूज होता है। तो ये एक अलग दुनिया की एक अलग लैंग्वेज है जो समझ सकते हैं, ये ऑटोमेशन है और ये टेक्निक है जिसे GNA यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने इस तरह से एक ही छत के नीचे लाकर डिज़ाइन करके रख दिया है कि हर चीज़ बेहद सरलता के साथ यहाँ बनाई जा सकती है। और ये फगवाड़ा का सौभाग्य है कि आज उत्तर भारत में ये अपने तरह का एक ऐसा 3D प्रिंटर यहाँ पे पूरी तरह से स्थापित है, जिसका लाभ छात्रवर्ग, खास करके जो इंजीनियरिंग के छात्रवर्ग हैं, वो यहाँ आकर बेहद सरलता के साथ ले सकते हैं। फगवाड़ा से पंजाब के श्री जगबानी के लिए विक्रम जलोटा।